एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीरत प्रेप ब्लॉगर्स। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड स्पेशल है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम घर में ही फेशियल कैसे कर सकते हैं और अच्छा ग्लो कैसे पा सकते हैं। ये मैंने ली है डायमंड की फेशियल किट। इस फेशियल किट से हमारे 3 फेशियल आराम से हो जाते हैं। ओनली 230 की पड़ी है मुझे। फर्स्ट स्टेप देखिए हम करेंगे। पहले हम अपने फेस पे डॉट डॉट में क्लेंजर लगाएंगे। तो देखिए उसको हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे नेक पे और फेस पे। तो बस 3 मिनट हम इसकी अच्छे से हल्के हाथों से मसाज करेंगे। तो ऐसे हम जैसे हम पार्लर में जाते हैं, पार्लर में हमें हजारों रुपए खर्च कर देते हैं और हमारा टाइम भी काफ़ी वेस्ट होता है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में हमारे पास अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। घर की सफाई है और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो हम अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें और घर पे ही बहुत ही अच्छा हम फेशियल कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे हल्के हाथों से हमें मसाज करनी है नेक पे, फेस पे। कोई भी प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं। देखिए गाइज, सेकंड स्टेप है हमारा स्क्रब। तो स्क्रब को देखिए, पहले तो हम इसकी पैकिंग खोल लेंगे। तो फिर हम लगाएंगे इसको फेस के ऊपर डॉट डॉट में, नेक के ऊपर भी हम अच्छे से लगा लेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे डार्क सर्कल हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाते हैं हमारे। तो देखिए हमने ओनली 3 या 5 मिनट इसकी मसाज करनी है अच्छे से। बिल्कुल हल्के हाथों से हम अच्छे से मसाज करेंगे तो जो हमारे डेड सेल्स होते हैं वो रिमूव हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो गाइज, अगर हम फुल फेशियल नहीं कर रहे, ओनली स्क्रब भी हम अपने फेस के ऊपर करते रहें, वो भी अच्छा रिजल्ट देता है। तो गाइज, स्क्रब की मसाज करने के बाद अब मैं फेस वॉश कर लूंगी। तो देखिए अच्छे से फेस वॉश करने के बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो अब फेस वॉश करने के बाद हम लगाएंगे डायमंड शाइन क्रीम। तो देखिए क्रीम को अच्छे से फेस पे अप्लाई करेंगे डॉट डॉट में, क्योंकि ये क्रीम का इफ़ेक्ट ज़्यादा आता है फेस पे, और नेक पे भी अच्छे से क्रीम हम अप्लाई कर लेंगे। और इसको हम मसाज को ज़्यादा टाइम देंगे और हमें टोटल इसको 10 से लेके 15 मिनट तक अच्छे से मसाज करनी है और बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करनी है। गाइज, अब होता है हमारा स्टार्ट फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में हम लगाएंगे फेस के ऊपर अच्छे से जेल। तो देखिए डॉट बे में हम जेल अच्छे से फेस पे एंड नेक पे अप्लाई कर लेंगे और उसके बाद हम हल्के हाथों से मसाज करेंगे। ओनली 5 मिनट हम मसाज करेंगे और थोड़ा थोड़ा जब भी हमें ड्राई लगेगा तो हम पानी भी लगाएंगे। तो उसके बाद हम अच्छे से फेस कर लेंगे वॉश। गाइज, अब आता है हमारा लास्ट एंड फिफ्थ स्टेप। ये है हमारा डायमंड फेस पैक। तो फेस पैक अच्छे से हम अपने फेस के ऊपर लगाएंगे। तो देखिए गाइज, अच्छे से हम अपने फेस के ऊपर फेस पैक अप्लाई करेंगे। तो फेस पैक लगाने के बाद हम इसको ओनली 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जब फेस पैक हमारा अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो फिर हम अपना फेस वॉश कर लेंगे। Thank you.
देखिए गाइस, फेस पैक को लगाए हुए मुझे 15 मिनट हो गए थे, अच्छे से फेस पैक सूख चुका है। तो अब देखिए, मैंने एक कॉटन ले लिया है थोड़ा सा, और कॉटन को पानी में डिप किया, और कॉटन से अच्छे से अपना फेस पैक मैं फेस से रिमूव कर रही हूँ। पहले हम सारे फेस को थोड़ा थोड़ा पानी लगा के गीला कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा ही ड्राई हो जाता है। तो फेस पैक लगाने से हमारा फेस है, जो स्किन है वो टाइट हो जाती है, लूज नहीं रहती, बहुत अच्छा हमारा फेस ग्लो करने लग जाता है। तो देखिए, अब सारा फेस पैक फेस से मैं रिमूव कर दूंगी। देखिए गाइज, फाइनली सारे स्टेप हमारे हो गए हैं फेशियल के कंप्लीट। तो ये देखिए, फेस मैंने वॉश कर लिया है, तो कितना ग्लो आया है फेस के ऊपर, आप सभी को फ़र्क देखते ही बनता है, नज़र आ रहा होगा आपको फ़र्क। तो देखिए, कितने मेरे डार्क सर्कल थे फेस के ऊपर, तो सारे रिमूव हो गए हैं। तो आप भी ऐसे ही अपने घर पे अपने हाथों से फेशियल कर सकते हैं, सेम स्टेप आप फॉलो करके अपने करवा चौथ को स्पेशल बनाइए, और अच्छे से फेशियल करिए, अच्छे से रेडी होएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय जी, टेक केयर।